हेलो एवरीवन गाइस, दोस्तों फाइनली स्टार ईयर ने लॉन्च कर दिया है लेटेस्ट वैकेंसी टू बिकम डेटा एनालिस्ट। अब आप लोग के मन में सवाल होगा कि स्टार ईयर ने कब वैकेंसी लॉन्च करी है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है। दोस्तों तो आज मैं आपको डिटेल में सारी चीजें बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए। और दोस्तों चलिए वीडियो को फटाफट से आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। क्या ये वैकेंसी फ्रेशर्स के लिए? जी हाँ, फ्रेशर्स के लिए है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। और दोस्तों अब आपके मन में सवाल होगा ये वैकेंसी है किसके बारे में। दोस्तों ये जो है बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब रहने वाली है, जिसमें आपको दोस्तों हाई लेवल, मतलब क्या बोलते हैं, अगर इस एयरलाइंस के जो सीईओ हैं उनके साथ आपको रहकर काम करना पड़ेगा। दोस्तों बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे मजेदार चीज दोस्तों, ऐसी वैकेंसी बहुत कम आती है। एक बार अगर आपने इस पोजीशन पर एंट्री ले ली दोस्तों, तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि अगले सीईओ आप भी बन जाओ, बिकॉज आपकी लाइजनिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी, आपकी जान पहचान बड़ी बड़े लोग साथ हो जाएगी ऑब्वियसली, क्योंकि आपका आप सीधा सीईओ के साथ रहकर काम करेंगे। ठीक है, तो आपकी जान पहचान अच्छी हो जाएगी, आपकी अप्रोच बड़ी अच्छी हो जाएगी, आपकी आपके दोस्तों कॉन्टेक्ट अच्छे अच्छे लोगों से हो जाएंगे। दोस्तों तो ये जो बहुत अच्छी पोजीशन है फ्यूचर में दोस्तों इसी एयरलाइंस में। देखो यार, एक बार एयरलाइंस में आपको एंट्री लेनी है, एंट्री लेने के बाद आप 100 तरह की अच्छी चीजें सीख सकते हो। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है इसमें प्रॉपर आपको सीईओ के ऑफिस में रहकर काम करना है, प्रॉपर अमेजिंग काम है। दोस्तों चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते डिस्कस करते हैं बाकी चीजों के बारे में, वैकेंसी कहाँ कहाँ पे है उसके बारे में देख सकते हैं। तो करना कि आपको यहाँ पर देख सकते हैं लिंक, दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एविएशन लाइफ जॉब अपडेट, और यहाँ पे वैकेंसी आ गई है। और दोस्तों न्यू बैच जो चालू होने वाला है, अगर आपको ग्राउंड स्टाफ बनना है, कैबिन क्रू बनना है दोस्तों, तो न्यू बैच चालू होने वाला है 23 सितंबर से, और आज है आखिरी दिन दोस्तों, और बिल्कुल 5 से 6 फ्यू सीट्स आर लेफ्ट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ज्यादा जानकारी चाहिए, एयरलाइंस में नौकरी करनी है, ग्राउंड स्टाफ बनना है, कैबिन क्रू बनना है, इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो दोस्तों, तो फटाफट से मैसेज भेजिए मेरे व्हाट्सएप नंबर में, बाकी बातें मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आके देखते हैं जो वैकेंसी है उसके। दोस्तों ये वैकेंसी आई है इनके स्टार ईयर के ऑफिशियल पेज में, ये वैकेंसी है, इसका नाम है जूनियर एनालिस्ट, और जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों ये सीईओ ऑफिस में बिल्कुल प्रोफेशनल काम रहने वाला है। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है। दोस्तों इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो है बी बी टेक बी सी ए बी बी ए बी एस सी, ये सारे के सारे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। प्लस अगर इसमें एक चीज और, कोई परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं, तो इसमें कोई टेंशन मत लीजिए कि इतना परसेंट होना चाहिए उतना परसेंट होना चाहिए। प्लस नेक्स्ट चीज ये कि 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब आप बोलोगे एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा, दोस्तों मैं दूंगा आपको एक्सपीरियंस। अगर आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करते हो तो मैं बताऊंगा कैसे एक्सपीरियंस एड ऑन करना है। प्लस दोस्तों एविएशन लाइफ स्टूडेंट्स को एविएशन के लिए इंटरव्यू क्रैक के लिए हेल्प करती है, प्लस उनको हम लोग हेल्प करते हैं इंटरव्यू के एक्सपीरियंस में क्या ऐड करना है उसके लिए, क्योंकि वही तो मेन है, तो वो चीज के लिए मैं हेल्प कर दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट। नेक्स्ट दोस्तों इसमें स्किल जो रिक्वायर्ड है वो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, ठीक है, और क्या बोलते हैं अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होनी चाहिए, बिल्कुल मेरी तरह सोचने वाला आदमी होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं इसमें क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाले। दोस्तों इसमें बेसिकली आपकी जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो दोस्तों मार्केट को एनालाइज करना, ये देखना कि कहाँ पे न्यू ऑपरेशन चालू कर सकते हैं। ठीक है, फिर एक्सेल शीट में डेटा मेंटेन करना, डेटा को एनालाइज करना कि कहाँ पे किस सीजन में कब टिकट की प्राइस, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। ठीक है, फिर आपको जो है उसमें क्या है कि बिजनेस में हेल्प करना, मंथली भी दोस्तों देखना कि कब कहाँ पे क्या प्रॉफिट जा रहा है, कहाँ पे क्या लॉस जा रहा है। ठीक है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सीईओ तक पहुंचाना, इंटरनल लिंक्स देखना, डिपार्टमेंट में क्या चीज हो रही है, किसके परफॉर्मेंस में कितना ग्रोथ है कितना नहीं है, तो बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव काम रहने वाला है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। दोस्तों इससे पहले ये वैकेंसी स्टार ईयर ने आज तक नहीं लॉन्च करी थी, पहली बार उन्होंने वैकेंसी लॉन्च करी है, तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, तनख्वाह भी अच्छी खासी मिलेगी, लेकिन इसमें तनख्वाह के बारे में जिक्र नहीं किया है। बात करते हैं कैसे फॉर्म फिलअप करना है। दोस्तों आपको अप्लाई में क्लिक मार देना है, इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जैसे ही अप्लाई में क्लिक मारोगे दोस्तों ये पेज खुल जाएगा। आपको फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है, फोन नंबर लिखना है, कॉन्टैक्ट एड्रेस लिखना है, कौन से कंट्री में रहते हो वो लिखना है, कौन से स्टेट में रहते हो वो लिखना है, कौन से शहर में लिखते हो वो लिखना है, पोस्टल एड्रेस में। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एरिया ऑफ इंटरेस्ट में दोस्तों आपको डाल देना है जो भी आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, कॉलेज में दोस्तों एसोसिएट डिग्री, बैचलर डिग्री तो बैचलर डिग्री डाल दो, हाई स्कूल है तो आपका हाई स्कूल डाल दो। ठीक है, तो ये है दोस्तों। ठीक है, फिर कॉलेज का नाम लिखना है, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, जैसे मेरा जो काम था दोस्तों वो मैंने बीटेक करी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिखूंगा मैं। ठीक है, एरिया ऑफ वर्किंग में दोस्तों आपका जो भी आपने काम किया है उसका लिख सकते हो। दोस्तों मेरे पास एयरलाइंस का एक्सपीरियंस है, मैं एयरलाइंस का भी यहाँ पे डाल सकता हूँ। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है, तो ये सब चीज़ें आपको फुलफिल करनी है दोस्तों, सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपका इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा एयरलाइंस वालों के पास, और वो लोग आप लोगों को बुला लेंगे, अगर आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होती तो आप बुला लेंगे इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छी जॉब है, रहने खाने की सुख सुविधा मिलेगी आपको, राइट नहीं मिलेगी तो उसका एक्स्ट्रा एक्सपेंस मिलेगा, कैब की फैसिलिटी मिलेगी, स्टार ईयर में मुफ्त में ट्रैवल कर पाओगे एक जगह से दूसरी जगह। और दोस्तों एक बार स्टार ईयर में एंट्री लेने के बाद आप स्टार ईयर के एम्प्लॉय बन सकते हो, कैबिन क्रू के भी बन सकते हो, बिकॉज होता क्या है कि एक बार अगर आपने एयरलाइंस में एंट्री ले ली तो आप मल्टीपल पोजिशन के लिए इंटरनली अप्लाई कर सकते हो, आपके लिए रास्ता बन जाएगा।
तो दोस्तों अगर आपको करियर बनाना है एयरलाइंस इंडस्ट्री में, तो बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, जूनियर एयरलाइंस की वैकेंसी आई हुई है। और दोस्तों ये अच्छी वैकेंसी इसलिए बिकॉज इसमें कई बार इंटरव्यू देने का ही मौका मिलेगा, मतलब इंटरव्यू देने का नहीं, इंटरव्यू लेने का। तो कई बार आप जाओगे हायर जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ इंटरव्यू लेने के लिए, तो बहुत अमेजिंग जॉब है गाइस। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आप लोग को। तो ये सारी की सारी चीजें, अगर आपको इंटरेस्ट है एयरलाइंस का इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, और हमारे दोस्तों अब तक हमने टोटल दे दिया 821 सिलेक्शंस इन एयरलाइंस इंडस्ट्री। अगर आप बाकी स्टूडेंट्स की तरह देख सकते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप भी घर बैठे बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एयरलाइंस इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, एयरलाइंस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपसे इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा, आपके पास सही नॉलेज नहीं है, सही गाइडेंस नहीं है, इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा, करने के बाद इंटरव्यू में फेल हो जा रहे हो दोस्तों, तो ये क्लासेस आपके लिए बिल्कुल लाइफ चेंजिंग रहने वाली है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स सब पढ़ाई कर रहे हैं, इनके इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको ऊपर दिख जाएगा। अंशु दोस्तों एक बैच से दोस्तों हमने 10 से 11 सिलेक्शन दिए हैं। सुब्रता सिलेक्टेड है, ये इंडिगो एयरलाइंस में काम कर रहा है। जयदीप इंडिगो एयरलाइंस में काम कर रहा है, औरंगाबाद बेस में। ये जो सुब्रत बैंगलोर बेस में काम कर रहा है, जितेंद्र दोस्तों चंडीगढ़ बेस में काम कर रहा है, अंशु एयर इंडिया में ऐसा कैबिन क्रू काम कर रही है, प्रिया जो है दोस्तों काम कर रही है इंडिगो एयरलाइंस में ऐसा कैबिन क्रू, रघु ऋषि का काम कर रही है। दोस्तों इतने सारे स्टूडेंट काम कर रहे हैं एक ही बैच से, तो क्या बताऊं दोस्तों। तो ऐसे ही हमारे बैच से मल्टीपल सिलेक्शन होते हैं। इंटरेस्टेड हो, करियर बनाना चाहते हो दोस्तों, तो आज है लास्ट डे, कल से जो है न्यू बैच चालू होने वाला है, एंड फ्रॉम नेक्स्ट मंथ फी इज गोइंग टू गेट इंक्रीज। तो फटाफट से मैसेज भेजिए, तब तक बाय बाय गाइस, जय हिंद टू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, डोंट फॉरगेट टू फ्लाई हाई इन द स्काई।